नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो स्पेशली जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल को एडमिशन लिया है इन बच्चों के लिए वीडियो है। उनको सब्जेक्ट्स कौन से है, उसमें पासिंग कितने को है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मतलब क्या, प्रोग्रेसिव असेसमेंट मतलब क्या, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ ही मैं और एक बात बताऊंगा कि मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को, उनके ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो 119 वीडियोज है। उसके साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट है उसके भी यहाँ पे 3 वीडियोज है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अभी देख रहे हो यहाँ की प्रोग्राम नेम है। प्रोग्राम नेम मतलब क्या, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम 2017-18। टोटल आपका जो एक सेमेस्टर होता है वो 16 वीक का होता है और 6 सेमेस्टर का आपका टोटल डिप्लोमा है। अभी ये सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। टोटल आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्किंग ड्रॉइंग, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अभी इसमें क्या है कि थर्मल का थोड़ा जो बहुत पार्ट है आपका ऑलरेडी शायद केमिस्ट्री में कवर हुआ होगा 11th-12th में। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है ये फिजिक्स में थोड़ा बहुत कवर हुआ होगा, लेकिन आपके लिए टोटल नया जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है और उसके बाद ये सॉम है और इसके साथ ये एमईएम, ये ऐसे 3 मेट्रोलॉजी भी वैसे ही है उसके साथ देखा जाए तो ऐसे सब्जेक्ट्स है। उसके शॉर्ट फॉर्म्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सॉम है। सब कोर्स कोड क्या है इसका, 22306 है। लेक्चर्स 3 है, ट्यूटोरियल 2 है और प्रैक्टिकल 2 है। ऐसे ये लेक्चर एल फॉर लेक्चर, पी फॉर ट्यूटोरियल और पी फॉर प्रैक्टिकल होता है। अभी बाद में यहाँ पे एक थ्योरी का हेड आता है और एक प्रैक्टिकल का हेड आता है। थ्योरी में क्या है कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है और प्रोग्रेसिव असेसमेंट है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मतलब क्या, आपका जो थ्योरी पेपर रहेगा जो आप राइटिंग करके लिखने वाले हो उसको क्या कहते हैं, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कहते हैं। वो पेपर कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का, उसमें से आपको मिनिमम कितना मार्क्स लेना है, 28 मार्क्स लेना है। अगर वही सेम वहां पे प्रोग्रेसिव असेसमेंट है, प्रोग्रेसिव असेसमेंट मतलब क्या, 2 क्लास टेस्ट होती है आपके, CT1 और आपका CT2। इन दोनों का एवरेज होता है, मतलब ये 20 मार्क का और ये 20 मार्क का, टोटल होंगे 40। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका एवरेज निकाल के आपको 20 आएगा। फिर 10 मार्क क्या होते हैं आपके, माइक्रो प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं। तो ये माइक्रो प्रोजेक्ट के मार्क्स उसमें ऐड किए तो ये कितने हो जाएंगे, 30 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें आपको मिनिमम कुछ भी नहीं है, मिनिमम आप 0 भी ले सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, ये 70 मार्क्स प्लस ये 30 मार्क्स, तो आपका टोटल कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। कंसिडर करो कोई किसी स्टूडेंट्स को क्या हुआ है, क्लास टेस्ट उसने दोनों भी नहीं दिया है, दोनों क्लास टेस्ट को उसको 0-0 मार्क्स है, ठीक है। तो ये टोटल एवरेज कितना आया, 0 आया और उसको माइक्रो प्रोजेक्ट में 7 मार्क्स आए। तो क्या होगा, वो जो स्टूडेंट है इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 28 के जगह पे उसको क्या करने पड़ेंगे, 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो क्या होगा, वो 33 प्लस 7 40 मार्क्स होंगे और वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर वो बंदे को यहाँ पे 28 मार्क्स आते और यहाँ पे 7 मार्क्स आते तो वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपके आपके क्लास टेस्ट का जो स्कोर है वो अच्छा आना चाहिए, मतलब मिनिमम 12 मार्क्स एवरेज आपका आना चाहिए और उसमें प्लस आपके माइक्रो प्रोजेक्ट के मार्क्स हो गए तो वो अच्छा है वो आपके लिए, ठीक है। फिर अभी बात आती है यहाँ पे एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल में आता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम ईएसई और प्रोग्रेसिव असेसमेंट। यहाँ पे प्रैक्टिकल में ईएसई मतलब क्या कि आपके जो भी सब्जेक्ट है, कंसिडर कर लिए कि ये मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी में क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 मार्क्स और हैश लिखा है। हैश मतलब क्या, ये एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, इसका कोई तो भी बाहर से बंदा, बाहर के कॉलेज से बंदा आएगा, आपकी वाइवा होगी और फिर उसके हिसाब से आप वो 25 मार्क्स, 25 में से मार्क्स देगा, मिनिमम उसको आपको 10 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और सेम यहाँ पे 25 एट लिखा है, एट मतलब क्या, आपके कॉलेज के ही जो सर रहेंगे वो आपका आपका असेसमेंट करेंगे और उसके हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। फिर क्या होता है, अभी ये जो पीए है प्रोग्रेसिव असेसमेंट, इसमें क्या होता है, लैब मैनुअल्स होते हैं। लैब मैनुअल क्या करना पड़ता है आपको, फिल करके या असाइनमेंट आपको क्या करना पड़ता है, आपके रिस्पेक्टिव टीचर को देना पड़ता है। फिर वो क्या करेंगे, आउट ऑफ 25 आपको मार्क्स देंगे, उसको मिनिमम आपको कितने मार्क्स, 10 मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। ऐसा ये टोटल था। बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वैसे ही है, 70 मार्क्स में से 28 मार्क्स है, फिर 30 मार्क्स का आपका क्लास टेस्ट और ये है, 25 मार्क्स का आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ऐसा सब कुछ है। मुझको एक ही बताना था कि हैश मतलब क्या, एक्सटर्नल वाइवा रहेगी
एट मतलब इंटरनल रहेगी। अभी उसके बाद यहाँ पे कुछ तो अलग ही है, जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है उसमें क्या है 70 लिखा है, उसके बाद स्टार है, हैश और वापस यहाँ पे एक एरो है। मतलब क्या है कि ये आपके जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगी लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऐसा है उसका मतलब है। उसको मिनिमम आपको कितना मार्क्स लेना है, 28 मार्क्स लेना है, ऐसा ये टोटल सिलेबस था। आप मैक्सिमम मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, मेट्रोलॉजी के आप ऑलमोस्ट सिलेबस उसमें कवर है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।